राजेश बजरंग लाल शर्मा न्याय हेतु दर बदर भटक रहे हैं। राजेश बी शर्मा का आरोप है कि उन्होंने मीरा रोड के शांति नगर सेक्टर क्रमांक 2 सर्वे नंबर 131 में जमीन खरीदी है, जिस पर उनका कब्जा भी है, उनका बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग उनके बोर्ड को ज़बरदस्ती उखाड़कर फेंक दिए हैं और उस ज़मीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में नयानगर पुलिस स्टेशन में राजेश बी शर्मा ने शिकायत भी की है, लेकिन दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार एवं पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय हेतु राजेश बी शर्मा गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं इस संबंध में राजेश शर्मा का और क्या कुछ कहना है। सर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसे मेरे जो सात बारह में जिनका नाम है राजेश नवीन चंद शाह, उससे मेरा व्यवहार हुआ है, तो उसको मैं कुछ पार्ट पेमेंट देना बाकी है, तो मैं नहीं दे सका, तो उसके बीच में मैंने स्टे ऑर्डर लेके आया। जिस दिन मैं उनको पार्ट पेमेंट दे दूंगा, वो स्टे ऑर्डर हटके मेरे तामे हुई ज़मीन आएगी, लेकिन इसके बीच में वो सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल वहाँ चल रहा है, जबकि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोर्ट ने उनको अभी तक पार्टी नहीं बनाई है, फिर भी आज की तारीख में मेरे से वो लोग दादागिरी करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी में इलीगल कुछ काम करते हैं, सबको बिठाते हैं, दादागिरी करते हैं। आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की? पुलिस स्टेशन मैंने शिकायत की है, पुलिस स्टेशन ने अभी उनको 149 का नोटिस दिया है, उसके बावजूद भी वो बैठे वहाँ। कौन लोग हैं वो जो बैठे हैं? हाँ, वो शांतिनगर सार्वजनिक गणेश मंडल के है, सेक्टर 2 के छोके लोग। एग्जैक्ट आपकी प्रॉपर्टी जो है कहाँ पे है? शांतिनगर सेक्टर 2 में कॉर्नर पे। कौन सा पुलिस स्टेशन के हाथ में आता है ये? न्यायनगर पुलिस स्टेशन। क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से? मुझे ये अपील करना है कि मैं सीनियर सिटीजन आदमी हूँ, मेरे को इलीगल में किसी में भी इंटरेस्ट जरा भी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे को उसका हक मिलना चाहिए, ये मेरे से मेरी पुलिस से दरखास्त है। प्रॉपर्टी में स्टे भी है, उसके बावजूद भी वहाँ गुंडागर्दी चालू है, दूसरे स्थानीय लोग वहाँ के घुसते बैठते है, जबकि स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और स्थानीय गुंडे लोग आके बैठते है, मैं ठहरा सिटीजन, सीनियर सिटीजन, ये मेरे जान को खतरा भी हो सकता है, मेरे घर वाली मेरी वाइफ मेरे से डरती है कि ये सब क्यों है, ये सब ऐसा खतरा मोल ले रहे करके, मतलब मेरी तो प्रॉपर्टी है ना, मैं तो सरकार से दरखास्त कर रहा हूँ कि मुझे न्याय दिलाए।